एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। और फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैशाली और ये जो रीडिंग है एक पिक कार्ड रीडिंग है कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके या इस कनेक्शन को लेके, या उसके अलावा जो कुछ भी हमें यहाँ पे और देखने को मिलेगा हम वो भी देखेंगे। सो यहाँ पर एज यूजल मैंने तीन कार्ड्स लिए हैं, आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो ये है आपका अबंडेंस का कार्ड जो फर्स्ट कार्ड है, दूसरा है आपका फॉरेस्ट बेदिंग और तीसरा है आपका सेक्रेट टेम्पल। सो जस्ट क्लोज योर आईज, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और जिस भी कार्ड पे सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है वो कार्ड आप चूज कर सकते हैं। इन सभी का टाइम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, जिन भी लोगों ने अबंडेंस का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। ओके, सो वी हैव द कार्ड द वर्ल्ड। ओके, सो वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे बात करता है कि आपके इस पर्सन के साथ कोई ना कोई साइकिल चल रही है। मीन्स ये एक बहुत ही ज्यादा डेस्टिंड कनेक्शन है, मतलब कि किस्मत में लिखा हुआ कनेक्शन है जो यहाँ पे मुझे कार्ड बता रहा है। अगेन, जो वर्ल्ड का कार्ड होता है ये हमें यहाँ पर सैटर्न की भी बात करता है, मतलब शनि की एनर्जी की भी बात करता है। तो वो यहाँ पर बात करता है कि आपको कुछ लेसन मिल रहे हैं इस पर्सन से एंड कहीं ना कहीं आप काफी मैच्योर भी हो रहे हैं इस कनेक्शन से, चाहे आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं या नहीं है या कोई भी सिचुएशन है। बट वर्ल्ड कार्ड मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बता रहा है कि ये पर्सन आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, आपकी सोल की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, आपको इवॉल्व होने में हेल्प कर रहे हैं, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर आपके लिए बता रहा है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं और कार्ड्स के थ्रू। प्लीज यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड लॉर्ड, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प पीपल। जिन भी लोगों ने अबंडेंस का कार्ड चूज किया कि इनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इनको लेके, वी हैव द स्टार कार्ड। वाओ, इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत हेल्प कर रहे हैं हील होने में या पास की किसी चीज से बाहर आने में, रिकवर होने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। चैन ऑफ व्हील्स, वाओ। दो तीन कार्ड और निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फूल। ओ माय गॉड, दो मेजर अरकानास आए हैं यहाँ पे। वाओ, पेज ऑफ कप्स। ओके, सो बेसिकली ये कार्ड जो है मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं आपकी पर्सन को लेके कि ये पर्सन जो है एक न्यू बिगनिंग देख रहे हैं इस कनेक्शन में आपके साथ। एंड अगेन, ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, मैच नहीं करती है तो प्लीज जबरदस्ती मत देखिएगा। यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे दिख रही है, या तो आप इस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में है या फिर ये पर्सन जो है बिल्कुल नए नए आए हैं आपकी लाइफ में, दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन जो है वो हो सकती है। कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है अभी आपके साथ बिल्कुल एक नया नया कनेक्शन बना है, या फिर आपको किसी के फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हैं ये पर्सन। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जहाँ पर ये पर्सन कुछ स्टेबल चाहते हैं, आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह देख रहे हैं। बेशक आपकी कब से बात हो रही है या कितने टाइम से बात हो रही है वो मैटर नहीं करता है, बट अगर करंट एनर्जी देखें तो इस पर्सन को लग रहा है कि आपके आने से इस पर्सन की लाइफ में एक उम्मीद वापस आई है, एक होप वापस आई है, एक लाइट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का बहुत, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि अभी बाकी के कार्ड्स में हम देखेंगे, बट अभी ये कार्ड मुझे पेज ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है एक फ्रेंडशिप मुझे दिखाई दे रही है, एक लाइट हार्टेडनेस वाला मुझे यहाँ पर एक कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपका दिखाई दे रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं आप में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं, आप भी बहुत चेंज हो रहे हैं, आपकी लाइफ में भी काफी ज्यादा न्यू बिगनिंग्स जो है वो आ रही है इस कनेक्शन की वजह से। आपकी इस पर्सन को लेके, इस पर्सन की वजह से काफी परसेप्शन में चेंज आया है, दुनिया को देखने के नजरिए में चेंज आया है। इस पर्सन के साथ भी वही चीज मुझे दिख रही है कि जब से वो आपसे मिले हैं, आपसे बातचीत इस पर्सन की हुई है, तो इस पर्सन की जो सोच है वो बहुत बदल गई है, स्पेशली अपने आप को लेके। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को लेके काफी ज्यादा अब अच्छा और बेटर महसूस करने लग गए हैं एज कम्पेयर टू जो इनकी पहले एनर्जी थी उसके कंपेरेटिवली। सो लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर यू और कार्ड देखते हैं प्लीज यूनिवर्स। पायल नंबर वन की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इनको लेके। वी हैव द कार्ड मैजिशियन। ओ माई गॉड, कैन यू सी दिस, कैन यू बिलीव दिस, वी हैव लॉट ऑफ मेजर अरकानास। आई होप कि आपको कार्ड जो है वो फ्रेंड दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो लेट मी जस्ट पुट इट ओवर हियर, मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो मैजिशियन का कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है।
ओके फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि अब आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे. सो यस, आई वाज सेइंग कि मैजिशियन का कार्ड मुझे बहुत स्ट्रांगली बता रहा है कि यहाँ पे एक फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है इस कनेक्शन के अंदर, स्पेशली इस पर्सन को आपको लेके. एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ये पर्सन आपको अभी पाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको लेके बहुत क्यूरियस है ये पर्सन, आपको जानना चाहते हैं. अगेन इट्स अ जर्नल रीडिंग, बट ये थोड़ी रीडिंग स्पेसिफिक है. आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं इस पर्सन के साथ तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, रेजोनेट करेगी. उसके अलावा मुझे यहाँ पर कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा ना इस पर्सन की बहुत एक मैच्योर एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है. थोड़ा सा पर्सन अपने ड्रीमी वर्ल्ड में भी जी रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सपने देख लिए हैं, आपको लेके बहुत सपने ये पर्सन देख चुके हैं. बेशक चीजें आगे कैसी हो या कैसी ना हो, अभी ये पर्सन जो है काफी कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं, सोच चुके हैं, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में दिख रहा है. ओके सो लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर यू. प्लीज यूनिवर्स, क्या एनर्जी है इस पर्सन की इनको लेके. यह द थ्री ऑफ सॉर्ड. वाओ, एज आई टोल्ड यू कि आप इस पर्सन को लगता है कि आप इस कनेक्शन के थ्रू वो कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं अपनी पास्ट की एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड भी है, यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी है, एंड बोथ ऑफ दीज कार्ड्स, और यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी है. अगेन आपका या तो सैटर्न चल रहा है, साढ़े सतनी शनि चल रहा है, इस पर्सन का चल रहा है, या तो आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या ये पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. दोनों में से कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. कोई बहुत स्ट्रांग लेसन चल रहा है आप दोनों का एक दूसरे के साथ. और थ्री ऑफ सॉर्ड्स मुझे अगेन बता रहा है कि पास्ट में इस पर्सन को किसी ने धोखा दिया था, लेकिन आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत चेंज आया है, बहुत हैप्पीनेस आई है. अगेन ये पर्सन अपने आप को लेके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं. एंड आपको लेके इस पर्सन की एनर्जी यही है कि ये पर्सन कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ. एंड अगेन एक यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी भी मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही है. बहुत क्यूरियस है ये पर्सन आपको लेके, आपके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं ये पर्सन. ओके लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर अनदर डेक. और मैं वन मोर करके बहुत सारे कार्ड्स निकालती जा रही हूँ, बिकॉज आई एम रियली लाइकिंग दिस एनर्जी एंड दिस रीडिंग. सो प्लीज यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड लॉर्ड, प्लीज टेल अस अबाउट. ओके यहाँ पे फेरीज बहुत स्ट्रांग आ रही है. आई डोंट नो व्हाई गाइज, आई एम जस्ट फीलिंग अ वेरी स्ट्रांग एनर्जी ऑफ फेरीज. यहाँ पे फेरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील हो रही है. या तो आप कनेक्टेड फील करते हैं या आपकी स्पिरिट गाइड फेरीज हो सकती हैं. प्लीज यूनिवर्स, प्लीज टेल अस, प्लीज फेरीज, प्लीज टेल अस क्या करंट एनर्जी इस पर्सन की आपको लेके. वाओ, वी हैव द सिक्स ऑफ वांड, विक्ट्री जैसा महसूस कर रहे हैं ये पर्सन आपके आने से अपनी लाइफ के अंदर. स्पॉटलाइट जैसे महसूस कर रहे हैं. या तो आप कोई पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, या फिर अगर आप पॉपुलर नहीं भी है तो मे बी यू आर वेरी गुड लुकिंग. या इस पर्सन को लग रहा है कि आपके आने से इनकी लाइफ में उन्हें कुछ एडअप हो गया है, कोई चीज ऐड हो गई है इनकी लाइफ में. इस तरीके की इस पर्सन को फीलिंग आ रही है एज इफ लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है. एंड अगेन दिस पर्सन इज फीलिंग रियली कॉन्फिडेंट. या तो आप इस पर्सन को बहुत अटेंशन देते हो, ये पर्सन कोई फायर साइन भी हो सकते हैं. एरीज लिब्रा बहुत स्ट्रांग आ रहा है, नॉट फायर साइन, लिब्रा आपका एयर साइन हो गया. तो एरीज लिब्रा, यहाँ पे एक्वेरियस स्ट्रांग है, सेजिटेरियस भी बहुत स्ट्रांग है, लियो भी स्ट्रांग है, एंड जेमिनाई. तो एयर एंड फायर साइन यहाँ पे काफी स्ट्रांग आ रहे हैं. तो इनमें से कोई भी इस पर्सन का साइन यहाँ पर हो सकता है. एंड ये पर्सन आपके आने से बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं. एंड इवन अगर मैं कहूँ कि आपकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, बट बाकी एनर्जी मिल रही है, तो ये पर्सन आपको ना बहुत अपनी लाइफ में एक अच्छा पार्ट समझते हैं कि आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस एंड बहुत बदलाव आए हैं. आपकी वजह से ये पर्सन अपने आप को लेके इतना अच्छा फील करने लग गए हैं और इतना कॉन्फिडेंट फील करते हैं जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू. चाहे ये बात आपको बोले या ना बोले, क्योंकि हो सकता है पर्सन थोड़े से ईगोस्टिक भी है. कुछ लोग, मुझे लगता है कि पर्सन थोड़ा सा माइंड गेम्स भी खेलते हैं. एग्जैक्टली जो फील करते हैं वो बोलते नहीं है, या फिर बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं और वैसे एक्शंस नहीं लेते हैं. वो चीज भी मुझे यहाँ पर कार्ड्स में दिखाई दे रही है. सो चलिए फ्रेंड्स, ये देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है इस कनेक्शन को लेके. स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर वन को जिन भी लोगों ने अबंडेंस का कार्ड चूज किया है. ओके, वेरी स्ट्रांग मैसेज, बैलेंस का यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है. इक्वल गिव एंड टेक होना रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. अगर आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये पर्सन उतना इन रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो इट्स टाइम कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए. बहुत जरूरी है वो चीज यहाँ पर, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ ऐसा लेसन चल रहा है लाइफ में, जहां पर आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि जितना आप कर रहे हैं सामने वाला भी उतना आपके लिए करे. आप भी किसी चीज से अपनी लाइफ के अंदर हील हो रहे हैं, बट स्टिल आप अभी भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अपनी लव लाइफ को लेकर, बहुत पॉजिटिव है.
उसी पॉजिटिविटी तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बट यूनिवर्स आपको कह रही है कि थोड़े से प्रैक्टिकल होने की भी बहुत ज़रूरत है, कार्ड्स देखने की ज़रूरत मुझे नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग मैसेज है ये। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है, प्रैक्टिकली भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगेन यूनिवर्स ने आपको हार्ट के साथ साथ माइंड भी दिया है। सो यूज़ दैट माइंड, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचिए। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नए नए आए हैं, फ्रेंडशिप है एंड आपको बहुत अट्रैक्शन हो, या आप चाह रहे हैं एकदम से सारी चीज़ें हो जाए, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप ये देखिए, पहले टाइम लीजिए, ये देखिए कि क्या ये पर्सन वैसे एक्शंस ले रहे हैं जैसे बोल रहे हैं या नहीं, या फिर थोड़ा सा और टाइम लेके ये देखिए कि आप एक्चुअल में इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, कंपैटिबिलिटी है कनेक्शन में या नहीं है। ओके, सो बहुत ही अमेजिंग रीडिंग थी, बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स थे फ्रेंड्स। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पेड पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। आप और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, मैं थोड़ा इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो आप मुझसे वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर यूजर नेम आ रहा होगा और जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी लिंक कहीं मिलता है तो प्लीज़ उसको ओपन मत करिएगा। एंड अगेन, रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करेगा, कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हाय एवरीवन, सो जिन भी लोगों ने फॉरेस्ट बेदिंग का कार्ड चूज़ किया है, सबसे पहले ये जो कार्ड मुझे आप लोगों के लिए बता रहा है वो ये बता रहा है कि पाइल नंबर टू, आपकी लाइफ में कोई एक न्यू बिगनिंग आ रही है, चाहे आपको अभी लगे या ना लगे, बट डेफिनेटली आ रही है। एंड यू आर ब्लॉसमिंग, मुझे यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है कि आप निखर के आ रहे हैं, आप जो एक्चुअल में हैं, जो आपका सोल है ना, वो बाहर आ रहा है। हो सकता है पहले आप जैसे एक्चुअल में हो, लोगों को दिखा नहीं पाते थे, आपको डर लगता था, एक इनसिक्योरिटी थी आपके अंदर, बट दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि अब आप अपने आपको लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लग गए हो पहले की कंपैरेटिवली, जो कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है। उसके अलावा आप अपने आपको बहुत एक्सेप्ट करने लग गए हो, एंड अगर ये नहीं है तो ये बहुत जल्दी ये आपकी जर्नी शुरू होने वाली है जहां पर आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग अपने थ्रोट चक्रा पे भी वर्क कर रहे हैं, जहां पर वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं, कम्युनिकेट, बात करना सीख रहे हैं, क्योंकि आप में से काफी लोग काफी सेंसिटिव मुझे लग रहे हैं। वाटर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, आपका वाटर साइन हो गया पाइसिस, मीन, कर्क, कैंसर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, या फिर अर्थ साइन हो गया टॉरस, वृश्चिक, आपका मकर, कैप्रिकॉर्न एंड योर वर्गो, दैट इज योर कन्या राशि। आई होप मैंने हिंदी में नाम ठीक से लिए हो, अगर नहीं लिए हो तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। तो उस चीज की यहाँ पर काफी एक एनर्जी मुझे आ रही है। इवन आई फील कि आपका हार्ट चक्रा भी, मतलब मुझे चक्रास एक बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, आप ग्रीन कलर का कोई कपड़ा जो है वो अपने रूम में कहीं पर बांध सकते हैं जहां से आपको विजिबल हो, क्योंकि कलर्स अगेन बहुत वर्क करते हैं हमें। एंड ग्रीन जो है वो हीलिंग का कलर होता है, पिंक भी होता है, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप ग्रीन यूज करेगा, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। चलिए अब देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। एंड बिफोर स्टार्टिंग योर रीडिंग फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, एक जनरल रीडिंग होगी। अगर चीजें मैच नहीं करती है तो प्लीज जबरदस्ती देख के ओवर थिंकिंग करने की और स्ट्रेस लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस चीज को कभी भी प्रमोट नहीं करती हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसे मैसेजेस लिखूं कि नहीं, आप अपने पर्सन के बारे में वीडियो देखो, यही सब कुछ सच है। मैं इस तरह की बातें कभी भी नहीं करती हूँ। आई रियली डोंट बिलीव ऑन दिस थिंग्स कि मैं आपको कुछ नेगेटिव सिखाऊं या कुछ नेगेटिव एनर्जी के साथ भेजूं मेरे चैनल पे से। प्लीज यूनिवर्स, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर टू चूज किया है, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। प्लीज टेल अस इनकी पर्सन की क्या करंट फीलिंग है इनको लेके। जजमेंट, ओके, अगेन कैन यू सी दैट, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है कि आप इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये कार्ड मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि इस करंट कनेक्शन की जो अभी की जो एनर्जी है वो यही है कि आप दोनों एक दूसरे को इवॉल्व करने में हेल्प कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हो, जो कि एक ऐसी एनर्जी है जो मैं आपको समझा नहीं सकती कि आपके अंदर कुछ ऐसा बदलाव आने वाला है जो सिर्फ आपको ही समझ में आएगा, बाकी लोगों को इतना समझ में बेशक ना आए। उस तरीके का मुझे एक चेंज यहाँ पर दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा चेंज दिख रहा है। अगेन मुझे ग्रीन बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कलर, तो हार्ट चक्रा हीलिंग मुझे बहुत दिख रही है यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इनको लेके। प्लीज स्पिरिट गाइड एंड लॉर्ड, प्लीज टेल अस इनके पर्सन की एंसेस्टर्स बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं आपके यहाँ पर, आपके पूर्वज आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है इनको लेके। कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांग आ रहा है। हो सकता है आपका पहले इनके साथ काफी स्ट्रांग कनेक्शन रहा हो, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर फ्यू पीपल।
क्या प्लीज यूनिवर्स बताइए इनकी करंट फीलिंग क्या है इनके पर्सन की. ओके वी हैव द सेवन ऑफ कप्स. ये पर्सन जो है आपको लेके कंफ्यूज है जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं. बातचीत नहीं भी हो रही है तो भी ये पर्सन आपको अपने दिमाग से तो देखो बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं जो कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं. यहाँ पे अगेन एक जर्नी है आपकी इस पर्सन के साथ. कुछ लोग के लिए ये हो सकता है कि ये पर्सन अभी अपने करियर में बहुत बिजी है, या फिर कुछ लोग के लिए पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं. सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए. प्लीज यूनिवर्स क्या फीलिंग है इस पर्सन की. सिक्स ऑफ वांड्स, इस पर्सन की इनको लेके क्या करंट फीलिंग है. टू ऑफ वांड्स, ओके. ये पर्सन किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन बहुत ज्यादा श्योर नहीं है. ओके ये रीजन है इस पर्सन का. फाइव ऑफ पेंटिकल्स, या तो अगेन इस पर्सन को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, या फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिस वजह से ये बहुत ज्यादा इस कनेक्शन पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं. बट इट डजंट मीन कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते. इस पर्सन की बहुत जेन्युइन एनर्जी है आपको लेके, मतलब बेशक लाइक करते हैं या लव करते हैं, जो भी रीजन हो या जो भी चीज हो, ये पर्सन आपको लेके ना इस पर्सन को कुछ गलत नहीं सोचते. मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको लेके हेट करते हैं या कुछ नेगेटिव सोचते हैं, बेशक दिखाते हो, क्योंकि अगर आपकी एक्स हो सकते हैं तो हो सकता है दिखाते हो, बट ऐसी फीलिंग नहीं है इस पर्सन की. ये पर्सन अगर आप लोगों का कनेक्शन एंड हो गया है तो ये चाहते हैं पर्सन की बेशक बाद में आगे कुछ ना हो, बट एक ये चीज चाहते हैं कि चीजें ना पीसफुली खत्म हो. कुछ ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं अगर आप लोग इस पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो. बट आई वुड सजेस्ट यू कि इस पर्सन को आप टाइम दो, खुद से बात करने दो. जो लोग अभी इस पर्सन को जानते हैं, आपकी बातचीत हो रही है, तो इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये पर्सन अभी भी अपनी पास की कुछ चीजों में स्टक है. ये अपनी सोच को बहुत ज्यादा बदलना नहीं चाहते. चेंज इस पर्सन को बहुत ज्यादा लाइफ में पसंद नहीं है, तो ये इस कनेक्शन को लेके थोड़ा कंफ्यूज है. ऑल्दो इस पर्सन को आपसे अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन और लाइकिंग मुझे यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रही है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन ना बहुत ज्यादा आपको लेके इस पर्सन की एनर्जी नहीं है, या एनर्जी अपनी जो है अपने काम के लिए और अपनी फैमिली और अपनी चीजों में ज्यादा यूज कर रहे हैं, जो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं. प्लीज यूनिवर्स क्या करंट एनर्जी है इस पर्सन की इनको लेके. You have the card Ace of Swords, okay? Eight of Swords. ये पर्सन आपको लेके डेफिनेटली कोई ना कोई डिसीजन या क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में. अभी तो ये आपको लेके बहुत कंफ्यूज है, बहुत कंफ्लिक्टेड है. इस पर्सन को यही नहीं पता कि आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, इस तरीके की इस पर्सन की यहाँ पर एनर्जी आ रही है. या फिर इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन है, या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी खुद की एक फेरी टेल वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहां पर ये चाहते हैं कि ऐसा ही पर्सन मिलेगा तो ही मैं सेटल होऊंगा या सेटल होंगी. उस तरीके की भी एनर्जी है. इस पर्सन को बहुत क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेके, जो मुझे यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे हैं, बट फिर भी ये पर्सन बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं, चीजों को आगे ले जाना चाहते हैं, अगर आपकी इस पर्सन के साथ अब कांटेक्ट में हो या बातचीत हो रही है तो. और ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि ये ना थोड़ा सा दिमाग से ज्यादा सोच रहे हैं. इंट्यूशन को ये पर्सन बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, एंड शायद इनकी लाइफ में लेसन ही यही चल रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुनो. तो मे बी जो इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही है ये उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर इनको ये चीज बहुत ज्यादा रियलाइज होगी कि इंट्यूशन पे भी ट्रस्ट करना चाहिए है, चाहे कोई भी एंडिंग हो या कोई भी सिचुएशन हो इन फ्यूचर. ये चीज मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है. ओके सो मैं दो तीन कार्ड और निकालूंगी. स्पिरिट गाइड्स और पाइल नंबर टू, प्लीज टेल अस इनकी पर्सन. ओके आप लोगों को, कुछ लोगों को बहुत एंजाइटी हो रही है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का बहुत ज्यादा क्रश है इस पर्सन पे. आप इस पर्सन को बहुत पसंद करते हो, ये पर्सन थोड़ा ऑन एंड ऑफ है, एक दिन बात कर रहे हैं एक दिन बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर. एंड प्लीज बहुत ज्यादा टेंशन मत दो आप लोग इस पर्सन को. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड प्ले सम गेम्स विद दिस पर्सन, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पर इस पर्सन को अटेंशन मत दो. प्लीज यूनिवर्स, थोड़ा सा इस पर्सन को ना स्पेस की जरूरत है, जो मुझे फीलिंग आ रही है, क्योंकि थोड़ा स्पेस मिलेगा ना तो ये सोच पाएंगे कि बेसिकली ये चाहते क्या है. प्लीज यूनिवर्स क्या करंट फीलिंग्स है इनकी इनको लेके. वाओ वी हैव द एस ऑफ कप्स, वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके वी हैव द टेम्परेंस. ओके सो बेसिकली ये कार्ड जो है, आई एम श्योर आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे, मैं यहां पर रख लेती हूँ. ओके सो ये कार्ड जो है वो मुझे बताते हैं कि ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. आप भी नहीं कर पाते हो, ये पर्सन भी नहीं कर पाते हैं. जो एक्चुअल में फील कर रहे हैं ये पर्सन बोल नहीं पाते हैं, ये चीज भी मुझे दिख रही है. अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे इस पर्सन की एनर्जी आपको लेके बिल्कुल भी खराब या बिल्कुल नेगेटिव नहीं लगती, एक अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर लगती है. एंड मुझे एस ऑफ कप से यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है वो ये दिख रही है कि पर्सन एक सेल्फ लव पे बहुत वर्क कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन में कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी है. कन्फ्यूजन जो है वो इस पर्सन को थोड़ी इस वजह से भी है, क्योंकि इनमें इनको ट्रस्ट इश्यूज है और कॉन्फिडेंस की कमी है.
तो ये हर चीज के बारे में थोड़ा नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, यही रीजन है कि इंट्यूशन से ज्यादा अपने माइंड को प्रायोरिटी देते हैं या माइंड को, अपने दिमाग को इंपॉर्टेंस देते हैं, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। इस पर्सन को बहुत जरूरत है कि ये अपनी चीजों को बैलेंस करे और इस कनेक्शन को भी बैलेंस करना चाहते हैं, बट दिस पर्सन नीड सम टाइम। इस पर्सन को टाइम, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहा है टाइम और स्पेस, कि वो इस पर्सन को बहुत ज्यादा जरूरत है उस चीज की। इवन वो चीज आपके लिए भी इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ में भी आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो वहां पे बहुत जरूरी है कि आप भी उस प्रोसेस में स्लो तरीके से गुजरे, क्योंकि शायद या तो आप चाह रहे हैं किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना, या फिर ये पर्सन चाह रहे हैं। ऑल दो मुझे आपकी तरफ से ज्यादा एनर्जी लग रही है कि आप चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं और बहुत परेशान हो रहे हो। यस, क्वीन ऑफ कप, आप जो है इस पर्सन को डेफिनेटली पसंद करते हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। हो सकता है आप लोग इस पर्सन का काफी टाइम से वेट कर रहे हो, आप इस पर्सन को छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, आप अभी भी इस कनेक्शन में बिलीव करते हो कि शायद अभी भी कुछ है, आपको इस तरीके की यहाँ पे एक फीलिंग आती है जो कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है। सो लेट मी सी कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है पायल नंबर टू। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, आप पायल नंबर टू को क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके। सी पायल नंबर टू, आई नो ये चीज आप बहुत बार सुन चुके होंगे, बट बहुत स्ट्रांगली ये चीज आ रही है, सेल्फ लव यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिकॉज क्या होता है कि जब आप जैसे वाइब्रेशन में या एनर्जी में होते हो ना, सपोज कि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या आपको अपने अंदर बहुत कमियां दिखाई देती हैं, आपको लगता है कि आप कुछ चीज डिजर्व नहीं करते हो, ऑल्दो आप एफर्ट डाल रहे हो, पर कहीं ना कहीं दिमाग में वो थॉट आता है कि आप डिजर्व नहीं करते हो, तो उस वजह से चीजें जो है ना वो बहुत नेगेटिव हो जाती हैं, क्योंकि आप उस फ्रिक्वेंसी लेवल पे, उस एनर्जी पे हो। ये पर्सन भी ऑलमोस्ट उसी एनर्जी पे है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एंड आपको यूनिवर्स से बोलना चाहती है कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लव योर सेल्फ, टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बाकी लोग भी नहीं करेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं आप में वो दिखाई देगा कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप में कुछ ना कुछ कमी है। तो ये चीज़ हमेशा आप अपनी लाइफ में याद रखिएगा, करियर हो या लव हो, अगर आप अपनी कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, आप उसको लेके कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना। जैसे कि मुझे वो टाइम याद है कि जब मैंने टैरो रीडिंग स्टार्ट करी थी, तो आई वॉजेंट कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, और मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते थे जो इस चीज़ का बहुत मजाक उड़ाते थे कि टैरो रीडिंग इज जस्ट यू नो इट्स नथिंग, सब मजाक है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट जब धीरे धीरे मैंने कॉन्फिडेंस गेन करना शुरू किया, एक्सेप्ट करना शुरू किया कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मैंने हमेशा अपनी लाइफ में उसके बाद ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करे जो खुद इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, जो समझते हैं इन चीज़ों को, अगर नहीं भी समझते हैं तो रिस्पेक्ट करते हैं मेरी। तो आपके लिए भी ये चीज़ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है पायल नंबर टू, एंड आप कुछ पास्ट की चीज़ें भी अभी रिलीज कर रहे हो, एंड इसलिए शायद लाइफ में आपकी चीज़ें थोड़ा स्लो भी चल रही हैं, जो मुझे लग रहा है ना आपको बहुत ज़रूरत है थोड़ा रेस्ट करने की। सो अगेन पायल नंबर टू, अगर आप कुछ डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं इस बारे में, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। एंड अगर आप और यू नो टैरो कार्ड रीडिंग, स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, यहाँ पर भी गिवन होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाई एवरीवन, सो जिन भी लोगों ने सेक्रेट टेम्पल का कार्ड चूज किया है, सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर एक चीज दिखाई दे कार्ड के थ्रू फ्रेंड्स, की आप लोगों की बहुत ही हीलिंग एनर्जी है। हो सकता है आप साइकिक रीडर हो, हीलर हो, और अगर ऐसा नहीं भी है, आपका प्रोफेशन भी नहीं है, तो भी आपकी एनर्जी जो है वो बहुत हीलिंग है, और एक ओल्ड सोल वाली बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे फील हो रही है। हो सकता है आपका वीनस जो है वो एट्थ हाउस में हो, या एट्थ हाउस बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, जहाँ वो आपका स्कॉर्पियो हो सकता है, वीनस स्कॉर्पियो में हो सकता है, पाइसेस में भी हो सकता है आपका वीनस, जो मुझे यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू दिख रहा है कि आप उन लोगों में से हो कि अगर आप किसी से मिलते हो ना, या किसी के साथ कनेक्शन में आते हो, तो एक बहुत ही इंटेंस एनर्जी होती है जहाँ पे आप उस कनेक्शन में फील करते हो, और वो कनेक्शन के थ्रू आप उस पर्सन को बहुत हील करते हो, चाहे आप चाहो या नहीं चाहो, इंटेंशनली अनइंटेंशनली आप लोगों को हील करते हो, जो ये कार्ड मुझे बता रहा है, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आप अपने आप को भी हील करते हो। बहुत स्ट्रांग, बहुत ही कायरन हीलिंग वाली मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए, बहुत स्ट्रांग हीलिंग एनर्जी है, दैट्स अमेजिंग। सो चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, पहले हम मेजर अरकाना के थ्रू देखेंगे। पायल नंबर थ्री के लिए प्लीज स्पिरिट गाइड्स बताइए। ओके, आई एम
कुछ लोग आई एम जस्ट फीलिंग कि आप इस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में बिल्कुल भी नहीं हो. आप में से कुछ लोगों को लगता है कि इट्स अ वेरी इंटेंस कनेक्शन. कुछ लोगों के लिए नॉट फॉर एवरीवन, अभी हम वो कार्ड में देखेंगे. कुछ लोगों के लिए कामिक कनेक्शन भी हो सकता है. प्लीज यूनिवर्स, या फिर आप एक ऐसी जर्नी पे हो जहां पर आपको काफी लेसन्स मिल रहे हैं इस पर्सन के साथ. स्ट्रेंथ कार्ड, वाओ, बहुत स्ट्रांग रहने की जरूरत है आपको इस कनेक्शन में. इस कनेक्शन के थ्रू आपको ये सिखाया जा रहा है हाउ टू बी स्ट्रांग, हाउ टू ट्रस्ट योर सेल्फ, कैसे अपने आप पे ट्रस्ट करना है और अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है जो आपको नहीं दिखती पर आपकी स्पिरिट गाइड्स को दिखती है और वो ये चीज समझते हैं जो यहाँ पर ये कार्ड में दिख रहा है. सो चलिए देखते हैं कि प्लीज यूनिवर्स, पाइल नंबर 3 के पर्सन हैं जिनके बारे में भी वो सोच रहे हैं, वो पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी. जजमेंट, ओके, दिस इज नाइस. दो मेजर अकानस, वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, वी ऑल्सो हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स. क्या करंट एनर्जी इनकी पर्सन की इनको लेके. वी हैव द कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स. बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं यहाँ पे. एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ वॉन्ड्स. इसको मैं यहाँ रख देती हूँ. ओके, अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ बिट स्पेसिफिक. ये रीडिंग थोड़ी सी स्पेसिफिक है. एंड फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, जबरदस्ती प्लीज रीडिंग को बिल्कुल भी मत देखिएगा. मैं इस चीज को कभी प्रमोट नहीं करती कि आप ओवर थिंकिंग करो या स्ट्रेस लो बिन फालतू की रीडिंग्स को देख के. सो अगर आपसे मैच नहीं करती, रेजोनेट नहीं करती, तो बेसिकली ये आपके लिए रीडिंग नहीं है. सो कार्ड्स मुझे यहाँ पर आप लोग लिए बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है काफी स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि या तो अगर आप इस पर्सन से अभी जस्ट आपकी बातचीत शुरू हुई है, या फिर आप इस पर्सन के साथ कुछ टाइम से कनेक्शन में, रिलेशनशिप के अंदर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. अगर ये तीनों चीजें में से कुछ भी मैच कर रहा है, तो कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि ये पर्सन जो है आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, उसको धीरे धीरे बिल्डअप करना चाहते हैं. जल्दबाजी पर्सन बिल्कुल भी मचाना नहीं चाहते जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं. हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास्ट के कोई पर्सन है जिनके लाइफ से आप चले गए हो, बट अब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपके साथ कुछ स्टेबल चाहते हैं, ये इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये अपने ऊपर भी वर्क करना चाहते हैं जो कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं. अपने करियर पर भी वर्क करना चाहते हैं. एंड अगेन बहुत सारी सिचुएशंस आ रही हैं यहाँ पे. एक सिचुएशन ऐसी भी आ रही है कि आप इस पर्सन से मिले, चीजें काफी अमेजिंग थी, आपको बहुत चेंज बदलाव महसूस हुआ इस पर्सन के आने से, बट अचानक से इस पर्सन को या तो दूसरी सिटी में जाना पड़ा या काम की वजह से कहीं मूव करना पड़ा, या काम और आप में से काम को इस पर्सन ने, करियर को इस पर्सन ने चूज किया, जिस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, वो वाली चीज भी यहाँ पर पॉसिबल है. मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई एक हैवी हार्ट लेके लाइफ में आगे बढ़ रहा है, वो वाली चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. सो बहुत सारी यहाँ पे एनर्जी है. चलिए देखते हैं और कार्ड्स के थ्रू. प्लीज फाइल नंबर 3 के लिए यूनिवर्स बताइए इनकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इनको लेके. वी हैव द कार्ड 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स. इस पर्सन को लगता है कि शायद ये कनेक्शन जो है, मतलब कि इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन था उस चीज को डेफिनेटली मिस करते हैं. अगर ये नए पर्सन है तो अभी इस कनेक्शन को इतना स्ट्रांगली नहीं देखते हैं. अभी ये पर्सन इस कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली नहीं देखते हैं. प्लीज यूनिवर्स, मतलब कि मैं अगर सही शब्दों में कहूँ तो ये पर्सन आपको एज अ सोलमेट नहीं देखते हैं. अगर ये कोई पुराने पर्सन है तो उस टाइम को बहुत याद करते हैं जो आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, जो बिताया है. मतलब अब आप इस पर्सन को, आपकी वो अच्छाइयाँ समझ में आ रही हैं जो आपने पहले इनके लिए जो जो कुछ किया है, वो इस पर्सन को चीजें समझ में आ रही है. प्लीज यूनिवर्स, पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है इनको लेके. वी हैव द कार्ड क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स. ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स यहाँ पर बात करता है कि इस पर्सन को कनेक्शन में कुछ चीजें जो है वो बहुत अनबैलेंस्ड लगती हैं. या तो आई एम रियली सॉरी बट या तो आप लगते हो या ये कनेक्शन लगता है कि चीजें बैलेंस्ड नहीं है इस कनेक्शन में. उस पर्सन को शायद ऐसा लगता है कि अभी वो आपको उतना लव नहीं दे सकते जितना आप डिजर्व करते हो. ये चीज बहुत स्ट्रांग आ रही है कि जो आप डिजर्व करते हो वो आपको अभी दे नहीं सकते हैं. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आज सारी रीडिंग में आया है. आई डोंट नो व्हाई बट ये सारी रीडिंग में आया है. बट ये पर्सन अगेन, मुझे यहाँ पे एक ऐसी वाइब आ रही है कि ये पर्सन आपके लिए, मतलब ऐसा नहीं सोचते कि ये अगेन ये बाकी रीडिंग्स में भी आया है, बट यहाँ पर भी ये चीज आ रही है कि ये पर्सन आपके लिए, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं जो बाकी में नहीं आया. हो सकता है या तो आप इस पर्सन से बड़े हैं, अदरवाइज ये पर्सन आपको बहुत समझदार और वाइज समझते हैं. इस पर्सन को लगता है आप बहुत समझदार हो और आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं ये पर्सन. 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, अगर ये पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट में है, बातचीत आपकी पर्सन के साथ चल रही है, तो ये पर्सन ना पेशेंटली इस चीज को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना चाहते हैं. भागदौड़ नहीं करना चाहते, रश नहीं करना चाहते हैं चीजों को लेके. धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को बढ़ाना चाहते हैं. हो सकता है ये कोई
अर्थ साइन हो इनका राशि, इनका मून साइन अर्थ हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो या टॉरस, काफी पॉसिबिलिटी है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पर्सन जो है वो चीजों को स्लोली आगे लेके जाना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपके एक्स से आप बातचीत नहीं कर रहे हैं तो ये पर्सन एक सही टाइम का वेट करना कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि एक सही टाइम पे आपकी लाइफ में आए और धीरे धीरे चीजों को फिर ये ठीक करें, जो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। बट अभी ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है कुछ लोगों के लिए जिनकी लाइफ से अभी अभी जस्ट गए हैं, करियर का बोल के, वर्क का बोल के, ये अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है। आई नो यहाँ पे तीन सिचुएशंस आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं तीन अलग अलग लोगों की रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर, बट अगेन ये बहुत स्ट्रांग आ रही है, ये बाकी पाइल्स में नहीं आई है। सो आई रियली फील कि अगर जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो हमें वो बताना चाहिए। तो अगेन काफी स्ट्रांग है ये चीज, लेट मी सी विद अदर कार्ड्स और क्या आ रहा है यहाँ पे। पाइल नंबर थ्री के लिए यूनिवर्स, ओके वर्ल्ड कार्ड, आपके इस पर्सन के साथ अभी कोई कार्मिक लेसन चल रहा है, चाहे ये आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जो भी कनेक्शन है, कार्मिक रिलेशनशिप है, यहाँ पे द वर्ल्ड बात कर रहा है कि आपको कुछ लेसन मिल रहा है इस पर्सन के साथ जो बहुत हार्ड है आप लोगों के लिए। बेशक इन रियलिटी इतनी चीजें खराब ना हो जितना आपको वैसे हार्ड लग रही है, मतलब मुझे लग रहा है कि इमोशनली आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत परेशान चल रहे हैं, कि कोई क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि आपको इस पर्सन के लिए इतनी एनर्जी क्यों इंटेंस फील होती है, जबकि ऐसा जितना कुछ है भी नहीं आप दोनों के बीच में, उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। प्लीज यूनिवर्स, ये पर्सन इनके लिए क्या फील करते हैं। किंग ऑफ कप्स, वाओ दिस इज समथिंग न्यू, द हर्मिट, ओके ओके। सो आई एम जस्ट गेटिंग दिस फीलिंग वेरी स्ट्रांगली कि ये जो पर्सन है, अगेन इस पर्सन को ये तो लगता है कि कनेक्शन में चीजें बैलेंस नहीं है, इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आपसे लव करेंगे या आपकी तरफ जाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा होता है ना कि डूब जाएंगे, उस तरीके की फीलिंग इस पर्सन को यहाँ पर आती है कि उस अगर वो उस रास्ते पर जाएंगे तो ये जो अपना करियर है या अपनी चीजें हैं उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे ये पर्सन। एंड अगेन अगर ये आपके एक्स हैं तो ये इस पर्सन को लगता है कि ये अगर वापस आएंगे तो फिर ये चीज़ें खत्म नहीं कर पाएंगे आपके साथ, फिर इस पर्सन को आपको एक स्ट्रांग कमिटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि अगेन इस पर्सन को लगता है कि आप ये चीज़ें डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पे हर्मिट बता रहा है कि लेकिन ये पर्सन अभी रेडी नहीं है इन चीज़ों के लिए, ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में एक लाइफ पर्पज पे है, ये अपने आप को जान रहे हैं, एक इनर सेल्फ पे वर्क चल रहा है इस पर्सन का, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एक डिवाइन बहुत दिखाई दे रही है, डिवाइन टाइमिंग की स्पिरिट्स भी जो है ना वो आप दोनों को एक दूसरे से थोड़ा सा अलग कर रही है ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सके और ये पर्सन आपको हार्म ना कर सके, क्योंकि ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये ना चाहते हुए भी आपको या तो कुछ बोल देते हैं या बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते, जहां पर आप जाके हर्ट हो जाते हो, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आ रही है पाइल नंबर थ्री। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है। सबसे पहले बात तो पाइल नंबर थ्री, यू डिजर्व ट्रू लव इन योर लाइफ, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए कि आप अपनी लाइफ में ट्रू लव डिजर्व करते हो। दूसरी चीज की पेशेंस की जरूरत है, आप जो भी आपकी लाइफ में आपको ट्रू लव मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा, बट पेशेंस की बहुत जरूरत है आपको लाइफ के अंदर। वी हैव द कार्ड डिलीजेंस, वाह, और सक्सेस का कार्ड आया। डिलीजेंस का मतलब होता है हार नहीं मानना, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत मुश्किलें हो रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, बट हार नहीं माननी है क्योंकि ये आपके लाइफ लेसन्स हैं। सक्सेस, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या यूनिवर्स आपके साथ कुछ गलत कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ का गुड कर्मा आपको बहुत जल्द आपकी लाइफ में मिलेगा। इवन मुझे दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है आपकी, आपको हील करने में ये चीज़ें बहुत हेल्प कर रही हैं। कुछ चाइल्डहुड वूंड्स हैं आपके, इनर चाइल्डहुड आपकी फैमिली में मदर या फादर से रिलेटेड कुछ वूंड्स हैं जिसको इस कनेक्शन के थ्रू हील किया जा रहा है, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए बता रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप कोई डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं सो डेफिनेटली आप करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, दैट्स अ पर्सनल पेड रीडिंग, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी टैरो कार्ड रीडिंग। मैं थोड़ा इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहती हूँ तो वहां पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यहाँ पर भी यूजर नेम आ रहा होगा। एंड अगेन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।